हाय गाइस, सो आज मैं हूँ इनसाइड ऑफ एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत कैंपस और मैं चाहता था आपको दिखाना, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप गाड़ी के बाहर देख सकते हैं, इसलिए मैं उतर के वीडियो नहीं बना पा रहा। देखिए, इस कॉलेज की तारीफ़ें कह लीजिए, बुराइयाँ कह लीजिए, मैं पहले भी कर चुका। और ये कॉलेज एक क्लासिक केस है कि कॉलेज पुराना हो, पीजी चल रहा हो, दैट डजंट मीन कि कॉलेज अच्छा है। जो आपको लेफ्ट राइट में बिल्डिंग नज़र आ रही है, कॉलेज का मेन हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल, और फिर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शायद फैकल्टी के अपार्टमेंट्स इन्होंने बना रखे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ लेफ्ट में, ये लेफ्ट में देखिए कैंटीन है छोटी सी, जो कि कॉलेज के बच्चों के लिए ही है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर है। तो बिल्कुल कि देखिए, 5 साल के बच्चे हैं, 150+ पीजी के बच्चे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो कुछ तो एक क्वांटिटी होती है जो मिनिमम होती है। ये लेफ्ट में मेन एडमिन ब्लॉक आ गया कॉलेज का। तो ये कॉलेज हरियाणा के 5 स्टेट प्राइवेट कॉलेज में से एक है। हम जानते हैं कि MMU साधोपुर जो आया वो भी डीवन में आया है, और राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ा सा पार्क गार्डन है जो आज तक अभी मेंटेन नहीं किया गया। बारिश हो रही है आज, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कॉलेज पेशेंट फ्लो के मामले में तकरीबन 0 पे खड़ा होता है। अभी आपको मैं बसें दिखाऊँगा जिन बसों को भेज के लोग OPD के लिए पेशेंट बुलाते हैं। और एक ज़माने में ये बेसिकली जो बिल्डिंग बनी थी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के हिसाब से बनाई गई थी, और लेकिन वो नहीं चल पाया बिकॉज ऑफ द लोकेशन, जो आपको एक आइडिया लगेगा। तो फिर यहाँ पर आए हैं, कहने को 2016 से पहला MBBS बैच आ गया था, लास्ट ईयर से PG भी स्टार्ट हो चुका, क्लिनिकल PG की ब्रांचेस भी हैं डर्मा के अलावा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाता हूँ, जस्ट बिकॉज क्लिनिकल PG है, जस्ट बिकॉज कॉलेज को 8 साल हो गए, दैट डजंट मीन कॉलेज अच्छा है। अमृता फरीदाबाद पहले साल में भी बिना PG के भी इससे बेटर होगा। तो कई मुझसे डिस्कस कर रहे थे, सर जब PG पढ़ाया जाता है तो एक प्रोफेसर्स का क्वालिटी होती है, प्रोफेसर्स का लेवल होता है। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, बस फ़र्क ये देखने की बात यह है कि आपने बसेस देखी अभी, आपने ये बसेस हैं जिनको भेज के गाँव के बच्चों को या गाँव के लोगों को बुलाया जाता है, और ये 4-5 बसेस डेली जाती हैं पेशेंट्स को लाने के लिए। अब आज भी देखोगे तो बस के बाहर MTech BTech लिखा हुआ है, जो कि अब यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ से आपको सामने व्यू दिखेगा एक NC मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग का, जिसके सामने से हम आए थे। पंडित भगवल दयाल शर्मा से एफिलेटेड है, तो लोगों को लगता है भी सरकारी यूनिवर्सिटी डिग्री मिलेगी, लेकिन मैं हमेशा समझाता हूँ कि डबल ए सॉल्ट होती है हमेशा, क्योंकि जब सरकारी पेपर होगा तो पेपर टफ होगा और वो पास करना भी आप ही को पड़ेगा, राइट। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के 5 स्टेट प्राइवेट कॉलेज में डेफिनेटली बॉटम नंबर 4 पे आता है, मतलब हरियाणा में रैंकिंग बहुत क्लियर है, आदेश फॉलोड बाय SGT, देन अल्फला, देन NC एंड झज्जर। लेकिन ये चाहे हरियाणा का नंबर 1 है, पर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो उन्हीं कॉलेजेस में से आएगा ये, कि आपने तभी आना है जब और कोई ऑप्शन ना हो, और कोई रास्ता ना हो आपको MBBS की डिग्री लेने का, या अब मैं कहूँगा PG की भी लेने का। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये जो इनका हॉस्पिटल है ना, ये बिल्कुल 0 revenue हॉस्पिटल होगा। तो जो NMC ने भी नया रूल लेकर आए हैं कि हॉस्पिटल जब चलेगा नहीं, तो हॉस्पिटल को जो चलने का दिखावा कर रहे हैं, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? उसका खर्चा आता है वही जो बच्चों से फ़ीस ली गई है। अब बच्चों की फ़ीस से अस्पताल भी चलाना है, अस्पताल के खर्चे भी करने हैं, जो फ्री में आप इलाज कर रहे हो पेशेंट को बुला बुला के, वो भी करना है, और साथ में आपने प्रोफेसर्स को, फैकल्टीज़ को सैलरी भी देनी है। ये देखिए, राइट में एमरजेंसी है, जहाँ 2-4 लोग आए हुए हैं, दोनों एम्बुलेंस हैं जो अंदर खड़ी हैं, और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जो टॉप मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं ना, उसमें हॉस्पिटल का रेवेन्यू होता है। तो एक ओनर की तरफ से आप देखिए, मैंने फ़ीस इकट्ठी की, हमें लगता है 12 लाख पर ईयर बहुत ज़्यादा, पर नहीं है। देखिए, एट ए टाइम 750 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 बच्चे प्लस हाफ जो होता है, इसके अलावा PG भी अब जोड़ लीजिए, सो मिला मुलू के साल का 100 करोड़ का रेवेन्यू कभी कभार आ जाता है। अब 100 करोड़ का रेवेन्यू सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि अब खर्चे भी तो सोचो ना, इतनी बड़ी अस्पताल के कितने होंगे। एक एक जो रियल फैकल्टी होगा, फैकल्टी प्लस प्रोफेसर एंड डॉक्टर जो यहाँ पर जॉब करते हैं, उनका पैकेज तो 1 CR होना चाहिए। जब आपके बच्चे PG कर लेते हैं तो आप भी तो ये उम्मीद करते हो ना कि वो कम से कम 1 करोड़ रुपये साल के कमाएँ। तो 100 करोड़ का रेवेन्यू इज़ नथिंग एक्चुअली, क्योंकि अस्पतालों का रेवेन्यू नहीं है। तो उसकी वजह से ना ये अच्छी फैकल्टी ले पाते, ना ये अच्छे पेशेंट्स तो है ही नहीं, तो दोनों फैक्टर में ही नीचे जाता है। आपने कॉलेज को बाहर से भी देख रहे हो, आपको सामने हाईवे नज़र आ रहा है, ये हाईवे है जो पानीपत की तरफ से आ रहा है। इस हाईवे को बोलते हैं पानीपत रोहतक हाईवे। ये पानीपत के 10 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो जाता है,
मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पानीपत की तरफ ही वापस जाना है और बारिश हो ही रही है। सो जैसा कि मैंने कहा कि मैं हल्की हल्की गाड़ी भी चला ही रहा हूँ, पानीपत से 10 किलोमीटर पहले जब दिल्ली से जीटी रोड पे आते हैं तो लेफ्ट में टर्न दिखाते हैं, इसराना बोलते हैं, इसराना एरिया है, इसमें कॉलेज है। तो एक्चुअली कॉलेज की लोकेशन बहुत अच्छी है, देखिए हाईवे देखिए आप, यहाँ मतलब इसे वेरी मेजर हाईवे जैसे बोलते हैं, मेन हाईवे है, सब कुछ होता है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है, बच्चा बोर हो रहा है आपको बच्चे से मिलने आ रहा है, आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो वही दिल्ली के बच्चों ने इस कॉलेज को भरा हुआ है या उन बच्चों ने जिन्होंने डॉक्टर बनना ही है, लेकिन विद नेक्स्ट एग्ज़ाम कमिंग इन हमें बहुत सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस कॉलेज की पढ़ाई करके क्या हम नेक्स्ट 1 और 2 दोनों क्लियर कर पाएंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिल्कुल देखिए जी, हर बच्चे की हर फैमिली की अपनी मजबूरी होती है। अब कोई फैमिली यही सोचती है कि हमें एक बच्चे को घर के पास ही पढ़ाना है, बजट हमारा 70-72 लाख है, क्योंकि इस कॉलेज का यही फ़ायदा है कि बजट इसका रीज़नेबल है जो पूरे हरियाणा स्टेट में है। तीनों कॉलेज में आदेश NC और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की बजट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है, तो आपका खर्चा नहीं होता है, डिग्री मिल जाती है, बच्चा आपके घर के पास रह जाता है। खासकर दिल्ली हरियाणा के बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं, पंजाब के पेरेंट्स सोचते हैं, लेकिन इफ़ एनीबडी फ्रॉम साउथ और वेस्ट इंडिया इज़ कंसीडरिंग दिस कॉलेज, यू शुड नॉट कंसीडर दैट, आई थिंक देर आर बेटर ऑप्शंस। पर वही बात है, हरियाणा ओपन स्टेट है। अब समस्या ये भी तो नहीं कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो विच इज़ अ क्लोज स्टेट एंड सब्सिडाइज स्टेट और आपके 250 नंबर है तो आप क्या करोगे, गुजरात से बिलोंग करते हो 250 नंबर है क्या करोगे, राजस्थान में मिल जाएगी सीट बिकॉज ऑफ क्लोज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड एक्सपेंसिव सीट्स, तो कई लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, इसी वजह से कॉलेज चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो आप दूसरी ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस देख सकते हैं, और ये कॉलेज बस एक आपको डिग्री देने के लिए है। ये मैंने वीडियो पहले ही बना रखा था पर उस दिन शायद मेरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं था तो सिर्फ मैंने बोला था अपने ऑफिस में वापस जाके, पर मैंने आपको लाइव दिखा दिया। और वही मैं लोगों से कहता हूँ कि हम तकरीबन काफ़ी कॉलेज में गए हुए हैं नॉर्थ के, और मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि इस समय 700 कॉलेज ऊपर हो चुके हैं कि मैं 700 के 700 मेडिकल कॉलेज में गया हूँ। सरकारी में तो बहुत कम में गया हूँ, प्राइवेट में काफ़ी, मतलब 700 में से शायद मैं 100-125 में गया हूँगा अगर मैं सारे गिन लूँ तो। दिस ऑप्शन इज़ डेफिनेटली वही है कि जब और कुछ नहीं मिल रहा तो आप इसको ले सकते हैं। और हाँ, इसको लेना है कि यूपी के लेने हैं नीचे वाले, दैट कैन बी ए चॉइस राइट, उसके लिए यू कैन हायर अ गुड काउंसलर कि हम इसको लें या लेट से यूपी का कृष्णा मोहन ले या लेट से यूपी का सरस्वती उन्नाव ले या NCR हापुड़ ले राइट। सो दैट डिस्टिंक्शन, दैट क्लासिफिकेशन, दैट डिसीजन यू कैन टेक। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।